आपको इंस्टाग्राम के अंदर इस तरीके से लिखा आता है द यूज़र नेम इज़ नॉट अलाउ अवेलेबल, तो इसका क्या मतलब होता है और द यूज़र नेम इज़ नॉट अवेलेबल क्यों लिखा आता है, तो वीडियो को आप यहाँ पे पूरा ज़रूर देखिए। तो जैसे इंस्टाग्राम पर हम यूज़र नेम नया अकाउंट बनाने के लिए यूज़र नेम लेते हैं या फिर चेंज कर रहे होते हैं, तो दिस यूज़र नेम इज़ नॉट अवेलेबल लिखा जाएगा। बेसिकली ऐसा नहीं कि ये यूज़र नेम ऑलरेडी किसी और ने लिया है, ठीक है। यूज़र नेम नॉट अवेलेबल का मतलब है कि इंस्टाग्राम ने इस टाइप का यूज़र नेम जो है किसी को भी अलाउ नहीं किया है, ठीक है। ये नॉर्मल जो नाम होते हैं, जैसे अब ये देखिए पर्टिकुलर ये जो नाम है वो अकाउंट का नाम हो सकता है, होता है ज़्यादातर, तो इस वजह से यहाँ पे ये यूज़र नेम अवेलेबल नहीं है। जैसे मैं इसमें 123 भी लगाऊँ तो भी इस तरीके से ही लिखा सकता है दिस यूज़र नेम इज़ नॉट अवेलेबल, क्योंकि ये नॉर्मल है और काफ़ी सारे लोग इसे यूज़ करना चाहते हैं, करना मतलब अपने अकाउंट का नाम जो है डालते हैं इस तरीके का नाम 123, ठीक है। तो इस वजह से ये इस तरीके से लिखा जाएगा। अगर मान लीजिए मैं यहाँ से दूसरा कुछ नाम ले लूँ तो भी वो शायद इसी टाइप से लिखा जाएगा। तो बेसिकली यही दिक्कत आती है कि यहाँ पे ये यूज़र नेम इंस्टाग्राम ने बंद कर रखा है, इस तरीके का यूज़र नेम कोई भी नहीं ले सकता। अब आप क्या करेंगे कि अगर मान लीजिए आपको ये यूज़र नेम चाहिए तो आपको इसमें और कुछ लेटर्स नंबर्स या फिर कैरेक्टर्स ऐड करना है जिससे कि और वो जो यूनिक बने, ठीक है। यूज़र नेम अब मान लीजिए आपको कुमार 123 तो चाहिए ही चाहिए, बाकी इसमें आप क्या करेंगे कि यहाँ से इस तरीके से कोई सिंबल इसमें लगा देंगे, ठीक है। अभी ये तो शायद काम ना करे, बट यहाँ पे अपर केस यहाँ पे हम जो है ऐड करेंगे या फिर दूसरा कुछ ऐसे तरीके का ऐड करेंगे जो कि काम कर जाए, ठीक है। हैश हम इसमें नहीं ऐड कर सकते, बाकी यहाँ पे आपको इसे यूनिक बनाने की कोशिश करनी है जिससे कि ये ठीक लगे। आप देखिए यहाँ पे अंडरकवर हमने ऐड किया, इस तरीके से और डालेंगे अंडरकवर तो ये हो जाएगा, ठीक है। हम इसमें और कुछ ऐड करेंगे तो मतलब आपको इसे थोड़ा सा यूनिक बनाना है, बाकी ये हो जाएगा। इसमें आप कुछ और ऐड करेंगे तो देखिए अब मैं यहाँ से एक और नंबर इसमें ऐड कर देता हूँ तो ये हो गया है सक्सेसफुली। तो इस तरीके से आपको करना है। अगर आपको वीडियो यहाँ पे अच्छी लगती है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।